अखिल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, मध्याह्न संवाद, डेली 8-2 PM। उज्जवल भारत न्यूज क्राइम स्पेशल रिपोर्ट पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के क्राइम विशेष रिपोर्ट पर सभी का स्वागत है। मध्याह्न संवाद 8-2 PM। पहाड़िया स्थित माइक्रो फाइनेंस में चोरी की घटना हुई थी। 9 सितंबर को रात के समय तस्करों ने धावा बोला था, जहां तस्करों ने सत्यम कॉम्प्लेक्स स्थित माइक्रो फाइनेंस का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आइए इस बारे में विशेष जानकारी देते हैं हमारे अरवल जिले के ब्यूरो चीफ हिमांशु भाई व्यास। गुजरात के अरवली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अरवली जिले के मेकरत तहसील के पहाड़िया स्थित माइक्रो फाइनेंस में चोरी की घटना हुई थी। 9 सितंबर रात के समय तस्करों ने दावा बोलकर सत्यम कॉम्प्लेक्स में स्थित माइक्रो फाइनेंस में का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। कुछ ही दिन में अरवली पुलिस और LCB के विभाग के द्वारा यह लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। यह एक अरवली पुलिस के लिए बड़ी ही सराहनीय घटना है और सराहनीय कार्य करते हुए अरवली पुलिस ने यह लुटेरे को दबोच लिया है। यह बात की जानकारी अरवली जिला पुलिस अध्यक्ष सिफारी बरवाल जी ने आज मीडिया के समक्ष दी। हिमांशु व्यास, उज्जवल भारत न्यूज, अरवली। स्टाफ वहाँ पहुँचे तो हमें ये पता चला कि करीबन 9,65,000 के पैसे एवं BDR, दो मोबाइल, तिजोरी, ये सब चोरी किए गए थे। कभी भी 9 सितंबर की रात को ये हमें सारी बातें पता चली। उसके बाद हमने BNS सेक्शन 331/4 पर ये FIR रजिस्टर की और हमारे जो DIG सर हैं श्री वीरेंद्र सिंह यादव सर, उनके मार्गदर्शन में LCB ने टीम स्थापित। टेक्निकल सर्वेलेंस ऑफ ह्यूमन सोर्सेज के आधार पर एक पिकअप डाला को रिकॉग्नाइज किया गया, बोलेरो पिकअप डाला था, जिसमें ये सारा वो उसका शंकास्पद एक्टिविटी लग रही थी ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी के पास, जिसमें सारा मटीरियल जो मुद्दा माल था वो मेघरत से बाहर ले जाया जा रहा था, वहीं आसपास घुमाया जा रहा था। LCB की एक टीम ने बैठकर सारा टेक्निकल एविडेंस को बहुत अच्छे से एनालाइज कर जो पिकअप डाला का जो ओनर है रामचंद शाना भाई डामोर, उस पर हमने जीरो इन किया, जो मेघरज का रहने वाला है राजपुर में, उसको पहले पकड़ा, हमारी टीम्स बनाकर कॉर्डन ऑफ कर उसके घर से। उसके बाद हमें इसके बाद और पता चला कि दो लोग जो इस माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करते थे, एक है प्रकाश कुमार नटवर भाई डामो जो कि काम करता था, और दूसरा लक्ष्मण भाई रूपा भाई डामो जो एक वर्ष पहले काम छोड़ चुका था। ये इन तीनों की मिलीभगत थी, इन तीनों ने पूरी प्लानिंग की थी और इस प्लानिंग के तहत उन्होंने यहाँ चोरी का अंजाम दिया। LCB की जो टीम है लेड बाय LCB PI HP गरासे, इन्होंने पूरा पूरा मुद्दा माल रिकवर किया, जितने रोकड़ रकम है 9,65,000 वो रिकवर हुए, एक दो मोबाइल फोन्स रिकवर हुए, जो तिजोरी थी वो भी इन्होंने उठा लिया था, पूरी तिजोरी भी रिकवर हुई है, एवं जो महिंद्रा बोलेरो पिकअप डाला है जिसकी कीमत 5,00,000 है, कुल मुद्दा माल की कीमत है 14,93,052 रुपीज़, ये पूरा पूरा रिकवर करने में LCB कामयाब हुई। तो पहले कोई किसी क्राइम को इन्होंने अंजाम दिया या फिर मॉडल एमओ क्या किया सब कुछ? जी नहीं, इन्होंने कोई भी ऐसा पहले इनके खिलाफ कोई FIR रजिस्टर नहीं है। ये तीनों आरोपी में से एक दो जो आरोपी थे वो यही माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करते थे, तो उनको पूरा जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो पूरा वर्किंग है उन्हें पता था कि कब यहाँ पैसे रहने वाले हैं, कब ये पैसे उठाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें पता थी। इसमें से दो जो आरोपी हमने पकड़े हैं उसमें से एक लाइट माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करता है, एक जो वॉन्टेड आरोपी है लक्ष्मण भाई वो अभी पकड़ने को बाकी है, वो एक साल पहले इस माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम कर चुका है। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य मुख्य संपादक, देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज, नजर रखिएगा उज्जवल भारत न्यूज पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय, जय हिंद, जय जय गांधी गुजरात। नमस्कार।